हेलो दोस्तों, हम आपको आज ले चलते हैं कि घर के अंदर हाउस वायरिंग की हुई होती है और उसके अंदर अर्थिंग कैसे की जाती है। हम आपको आज यहाँ बताता चलेंगे कि हमारे पास एक ये कॉपर प्लेट है 0.20 mm पर मट है, इसके पास नट लगा है। उसके बाद हमारे पास एक वायर है, कॉपर वायर ओरिजिनल तांबे की है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर ये फिट कैसे की जाती है। इसके अंदर ये नट होता है, नट के ऊपर उसके बाद मुकम्मल करने के बाद हमारे पास ये कलमेटर है। इस कलमेटर से हम इसकी कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि इसकी वोल्टेज और इसके रेजिस्टेंस कितनी हाई होती है और कितनी लो होती है। उसके बाद दोस्तों, हम आपको बताएंगे इसके लिए मटेरियल क्या प्रोवाइड है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पर एक नमक है, क्योंकि एक दानेदार नमक है, ये कम से कम 40 kg है। उसके बाद हमारे पास ये कोयला है, ये 2 और 3 बोरा हमारे पास मुकम्मल कोयला है। दोस्तों, जब हम इसको फाइनली जब हम इसको नीचे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम आपको बताएंगे हमारे पास ये जो घड़ा है नीचे कम से कम 7 फुट नीचे है और जिसकी जो कि 1.5 मीटर सिक्योर में है। तो लास्ट पर हम आपको मुकम्मल तरीके से बताएंगे इसकी कनेक्टिविटी, तो उसमें पास करके बता देंगे। ओके, आपको ये बताते हैं कि ये जो हमारे पास कॉपर प्लेट है, ये हमारे पास 0.20 mm की है। उसके साथ हमारे पास जो इसके साथ एक कॉपर वायर है हमारे पास, हम इस कॉपर वायर को हम अच्छी तरीके से इसको हम टाइट कर सकते हैं। जो हमारी कॉपर वायर है कम से कम 10 mm है। हमने क्या काम किया, इस प्लेट को हमें हमारे पास एक केमिकल है, जिस केमिकल से हमने इसको अच्छी तरीके से साफ किया। साफ करने के बाद इसकी कनेक्टिविटी को हमने टेस्ट किया बहुत बहुत अच्छे तरीके के साथ। तो अब हम आपको बताते हैं कि जैसे हम इसको 2 वाशर डाल के हमने ऊपर इसका नट अच्छे तरीके के साथ हमने टाइट किया। इसको हमने काफ़ी मजबूती के साथ इसको टाइट करना है। ये हमारे दिखाते हैं आपको कैसे हम इसका है कि हमें ये मुकम्मल जो हमारे पास एक डिग दिया हुआ है, कम से कम इसकी जो लेंथ है ऊपर के लिए, इसकी हाइट तकरीबन 7 फुट है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे पास ये कॉपर प्लेट है, हम इसके नीचे हमने कोयला डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा नमक डालने के बाद हम अपनी कॉपर प्लेट को यहाँ पर अच्छे तरीके के साथ सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हमारे पास एक मुकम्मल यहाँ पर हमने इसको टच मारने के बाद हम इसकी जो कॉपर लगी है, इस कॉपर को हम इसके साथ मुकम्मल टाइट करने के बाद सीधे ऊपर ले लेते हैं। सीधे ऊपर लेने के बाद जो हमारी अर्थिंग है ये कनेक्ट ऊपर के लिए हो रही है। तो अब हम इसके ऊपर क्या काम करते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा कोयला और नमक डालते हैं। ये हमारे पास काफ़ी सारा कोयला पड़ा हुआ है, ये हम कोयला डाल देते हैं इसके ऊपर। कोयला डालने के बाद हम क्या काम करने के बाद हम नमक भी डालेंगे इसके ऊपर। ये हमने मुकम्मल तरीके से सेट कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद हम इसको नमक डाल देते हैं, पानी थोड़ा छिड़केंगे कोयला और नमक डालने के बाद। देख लीजिए, हम इसके मुकम्मल पानी से पूरा इसको भिगो देंगे, गीला करेंगे। हम इसके ऊपर चले एक पाइप रखी हुई है, इस पाइप में से हम ऊपर से पानी जब बरसात जब कभी होगी तो पानी नीचे आएगा, वो टच करेगा कॉपर प्लेट के साथ पानी जाएगा, ताकि इसकी जो क्वालिटी है, इसकी अर्थिंग की जिसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। इसको ऊपर से नमक छिड़केंगे अच्छे तरीके के साथ। और हमारे पास ये यहाँ पर एक रॉड लगी जिसके साथ हमारे पास मुकम्मल एक कॉपर 10 mm का मुकम्मल कनेक्ट किया हुआ है। तो क्या काम करते हैं, हम इसको मिट्टी डालते हैं ऊपर से मिट्टी, और उसके साथ हमारे पास एक पानी की पाइप रखी, क्योंकि कंटिन्यू हाथ के ऊपर से पानी चल रहा है क्योंकि लगातार। ये देख लीजिए अच्छे तरीके के साथ हम क्या करने को जा रहे हैं, अच्छे से मकमल कर देते हैं। ये ऊपर से मिट्टी आ रही है इसके ऊपर, मिट्टी थोड़ी सी डालने के बाद फिर से इसको यहाँ पर कोयला डालेंगे। कोयला डालने के बाद हम इसके ऊपर फिर नमक छिड़केंगे। नमक छिड़कने के बाद इसके ऊपर हम फिर मिट्टी डाल देंगे, सीधे और नमक गिरा देते हैं पानी से, इसको मुकम्मल क्लीन कर रहे हैं, पानी से इसको नमी मिलेगी, इससे इसके ऊपर कोयला गिरा देते हैं। कोयला इसके ऊपर हम फिर से नमक डालेंगे, नमक अच्छे तरीके से नमक से इसके से इसकी मुकम्मल सेटिंग करेंगे। उसके बाद फिर के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी से इस कोयले को
मुकम्मल क्लीन करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर और नमक डाल के, नमक डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर कोयला, कोयले के लास्ट में हम इसके ऊपर फिर मिट्टी से इसको फिल कर देंगे। हम फिर और पानी गिरा देते हैं ताकि इसकी मम्मी मुकम्मल बने बनेगी पानी से। देख लीजिए अब हमने इसके ऊपर फिर और पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद फिर चारों तरफ से फिलिंग होने को जा रही है। इसके ऊपर साथ में पानी भी हम छिड़क रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर नमक भी डाल दिया। तो फाइनली दोस्तों हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमने इसकी तीन चार लेयर मुकम्मल की, जैसे कि नमक, कोयला, फिर नमक, फिर कोयला, उसके ऊपर मिट्टी। तो लेयर बनाने के बाद फाइनली हम इसके ऊपर लास्ट में मिट्टी मिट्टी से इसको फिल कर देंगे, जिसको कि हमने यहाँ अर्थिंग के लिए दिया हुआ है। उसके ऊपर पानी गिरा देते हैं। फाइनली हमने इसको अब डिग को मुकम्मल किया, इस अर्थिंग को, और इसके ऊपर प्रॉपर मिट्टी से डालकर इस डिग को हमने पूरा मुकम्मल किया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमने जो हाउस इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग की जाती है उसके अंदर प्रॉपर अर्थिंग कैसे की जाती है। जैसे कि हमने इस वीडियो के अंदर पहले आपको बता दिया कि हमने एक प्रॉपर इसकी एक अर्थिंग की हुई है। वो अर्थिंग जो इंस्टॉल होगी डायरेक्ट हमारे हाउस के अंदर होगी। इस हाउस के जो मालिक है वो नवाबुद्दीन साहब, और जो प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन है वो शेख अब्दुल कबीर और उसके लिटल ब्रदर हारून अवैस हैं। तो हम दोनों भाइयों ने मेहनत और मशक्कत करके इस चीज़ को सक्सेसफुल किया। तो हम सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इसका एक लाइव टेस्ट दिखाएंगे आपको कि जो हमने अर्थिंग की है। सबसे पहले हम ले चलते हैं, हमारे पास ये एक बोर्ड है, यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है। इसकी राइट साइड में फेज आ रहा है और लेफ्ट साइड में हमारे पास न्यूट्रल आ रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो हमारा ग्राउंड से अर्थ किया हुआ है वो वायर हमारे पास ये यहाँ पर है, और उसके साथ हमारे पास ये पूरी मुकम्मल जहाँ से हमने इसको घड़ा दिया था, जहाँ से हमने इसको प्रॉपर करके इस पाइप के अंदर पूरा इंस्टॉल किया हुआ है, पूरे कॉपर वायर को, जो कि कम से कम 10 mm है। तो हम आपको ये बताता चलेंगे कि इसके इसके एक लाइव टेस्ट हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि हमारे पास ये वायर एक है, जहाँ से हमने आपको अभी टेस्टर के अंदर बता दिया कि हमारे पास ये फेज यहाँ से आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास ये जो अर्थिंग है, अर्थिंग के ऊपर उसको टच देते हैं। जो ही हमने इसको टच दिया तो देख लीजिए ये मुकम्मल सक्सेसफुल हो गई हमारी अर्थिंग। आपको पूरा दिखाया था कि इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग के अंदर जो अर्थिंग की जाती है, तो उस अर्थिंग के एंड पे हमें जो अंदर से हमारे पूरे मकान के अंदर से जितने हमारे सॉकेट्स, एमसीबी बॉक्स, इन्वर्टर, जो भी अंदर से जो भी कोई अंदर अप्लायंस चल रही है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फाइनली इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पास ये कॉपर की वायर है। तो इसी के साथ हमने इसको लास्ट में कम्प्लीट मुकम्मल यहाँ पर बंद कर दिया है। हमें ही जो हमने अंदर से मुकम्मल अर्थिंग की हुई है, जो एमसीबी बॉक्स से शॉर्ट करके जो हमारे पास कॉपर की वायर है जो कि 10 mm पर मुकम्मल है, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया और पूरे घर के अंदर हमने इसको मुकम्मल तरीके से। आपको ये बताएंगे हमारे घर के अंदर यहाँ पर एक 12 मॉड्यूल का शीट लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक 5-inch सॉकेट लगा हुआ है। इस सॉकेट के ऊपर हर एक को ये मालूम होता है कि हमारे पास ये अर्थिंग का होता है। जैसे कि हमने एक बल्ब लिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास राइट साइड में लोड आ रहा है और लेफ्ट साइड में हमारे पास न्यूट्रल्स आ रही है, और जो हमने अर्थिंग की हुई है मुकम्मल इस घर के अंदर, इस अर्थिंग के अंदर हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि इस पर हम बल्ब जला के दिखाते हैं आपको। गाइस देख लीजिए ये मुकम्मल और सक्सेसफुल हो चुकी हुई है पूरे घर के अंदर अर्थिंग। और गाइस हम आपको ये बताता चले कि यहाँ से हमारे पास ये स्विच से ऑफ भी हो सकता है और स्विच से हमारी ये ऑन भी हो सकती है। थैंक यू।